नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। और आज लखनऊ में विधानसभा, गोपालपुर, आजमगढ़ के विधायक नफीस अहमद सहित प्रदेश के सभी विधायक जामिया व AMEU में हुए छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई तथा कैप के विरोध में शर्ट उतारकर अपने गुस्से का इजहार किया और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से लखनऊ में आजमगढ़ के विधानसभा गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद अपनी शर्ट उतार करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जामिया में हुए MU के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई का भी इन्होंने विरोध किया। और साथ ही जब पीसफुल तरीके से जामिया के और AMU के स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे तो उनके साथ अत्याचार हुआ। हम जो है AMU के प्रेसिडेंट रहे, वहाँ के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ इतना उत्पीड़न किया गया है, हॉस्टल में घुस के उनको मारा गया है। ये देश जो है गांधी का देश है, हिटलर का देश नहीं है। इस देश के अंदर संविधान हम लोग हर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरीके से इस कानून के खिलाफ, जनता के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाकर इस लड़ाई को आगे तक लड़ते रहे। जामिया के प्रेसिडेंट मैमून हसन ने मेरे साथ सरकार ने उनके करने को सवाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत पुलिस के साथ लेकर पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर हमारी बहन बेटियों को मार दिया, हमारे स्टूडेंट को मारा, हॉस्टल में आग चली थी, गाड़ियां तोड़ी। इसके खिलाफ आज हम लोग इस सरकार के खिलाफ दोनों लोगों के हाथों की समर्थन से दे रहे, क्योंकि ये सरकार पूरे देश को इसी तरह नंगा करना चाहती है, उनके उनके तन से कपड़े छीनना चाहती है। वो हर मुद्दे पे फेल हो गई है, इसीलिए वो हमारे राजनीति। हम सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई और इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे।